हेस्टर बायोसाइंस। हेस्टर बायोसाइंस इंडिया के अंदर दूसरे सबसे बड़ा पोल्ट्री वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। उसी के साथ साथ कंपनी एनिमल जो हेल्थ केयर है उसके ऊपर भी बहुत सारा वैक्सीन ये निकालते हैं, और उसके साथ कंपनी का और भी बहुत तरह का बिजनेस अभी धीरे धीरे कैपेक्स के द्वारा इम्प्रूव करते हुए जा रहे हैं। कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो इंडिया के अंदर है, वो करीब 84% एंड नेपाल के अंदर 8% एंड अफ्रीका के अंदर 1.5%। लेकिन रिसेंटली ये अफ्रीका के अंदर ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है। दो दिन पहले इसके ऊपर मैंने एक फंडामेंटली एक वीडियो बनाया था, उसको भी आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हेस्टर बायोसाइंस के ऊपर एक टारगेट दिया गया है और टारगेट के साथ साथ कुछ रीज़न दिया गया है कि इसके कारण हेस्टर बायोसाइंस आगे चल सकते हैं। आपको पहले ये बता दूं कि कोई भी कंपनी कोई भी शेयर में निवेश करने से पहले आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये जो टारगेट दिया जाता है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, ये लोग डिटेल्स में रिसर्च करते हैं और उससे पहले वो लोग बताते हैं कि इसके कारण ये शेयर इतना तक जा सकते हैं। तो आप लोगों को ये रिसर्च देख सकते हैं, उसके बाद रिसर्च आपको ठीक लगता है तो उसके साथ आप डिसीजन अपना खुद ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि डिसीजन क्या है और टारगेट कितना दिया गया है। हेस्टर बायोसाइंस का आप चार्ट देखेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। जो शेयर 2014 तक करीब 90 रुपीज़ के आसपास चलता था, वो शेयर आजकल चल रहा है करीब 2400 के आसपास। जो अच्छा खासा एक उछाल कंपनी शेयर के अंदर दिखाई दे रहा है, और कंपनी का जो आपका सेल है और नेट प्रॉफिट है वहाँ पे भी इसका झलक आप देख पाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कंपनी का जो सेल है वो आपका 42 करोड़ से स्टार्ट हुआ था 2011 से, वो बढ़ के 214 तक पहुँच गया मार्च 2021 तक। उसी के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद जो टारगेट कंपनी के ऊपर दिया गया है हेस्टर बायोसाइंस के ऊपर वो है 2925, और इसको होल्ड के अंदर रखा है ICICI सिक्योरिटीज ने। तो अभी जान लेते हैं कि हेस्टर बायोसाइंस के ऊपर जो एक टारगेट रखा है, इतना अच्छा खासा एक टारगेट रखा है, उसके पीछे का वजह क्या बता है ICICI सिक्योरिटीज ने। तो सबसे पहले उन लोगों ने कहा है जो एयर शिपमेंट था एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, लेकिन आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर ये संभालते हुए आपको दिखाई देगा कि कोविड के कारण आपका एक्सपोर्ट में थोड़ा सा बाधाएं दिखाई दिया था। उसके बाद कंपनी का जो पोल्ट्री का वैक्सीन है वो डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसी के कारण कंपनी का डोमेस्टिक मार्केट में जो आपका वैक्सीन है आपका पोल्ट्री वैक्सीन स्पेशली वो 10% के द्वारा से ग्रोथ हो रहा है। और जो एनिमल हेल्थ केयर का जो प्रोडक्ट कंपनी निकाल रहा है उसके अंदर करीब 15% का एनुअली ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है, और अभी भी डोमेस्टिक मार्केट में उसका डिमांड है, तो ग्रोथ आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हेस्टर बायोसाइंस को, इसका कहना है। ICICI सिक्योरिटीज का वो और भी कुछ कहना है, जो आपका स्वाइन फीवर वैक्सीन है ये हेस्टर बायोसाइंस के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये एक अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकता है हेस्टर बायोसाइंस आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर। उसी के साथ साथ जो एक डिजीज़ है लंपी स्किन डिजीज जो एनिमल के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उसके ऊपर ये पर्टिकुलर कंपनी रिसर्च कर रहे हैं। इसके एक्चुअली ये रिसर्च कर चुके हैं और ये लोग वैक्सीन भी बना चुके हैं, लेकिन जस्ट वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट की ऑथोराइज्ड के बाद ही ये लोग डिक्लेयर कर पाएगा मार्केट के अंदर। तो उसके चलते कंपनी का ग्रोथ फिर से अच्छा खासा दिखाई दे सकता है, ये ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है। उसके बाद और एक जो आपका वैक्सीन है कंपनी ने बनाया है वो भी है आपका सीप पॉक्स, तो इसका भी ये वैक्सीन बना रहे हैं, वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए स्पेशली बना रहे हैं, उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड भी सप्लाई करने वाला है। लेकिन आपको ये बात जान लेना चाहिए, ये जो दोनों या तीनों वैक्सीन है आपका स्पेशली लंपी स्किन डिजीज सीप पॉक्स का, ये वैक्सीन वन एंड ओनली हेस्टर बायोसाइंस ही बना रहे हैं, दूसरा कोई भी कंपनी नहीं है वर्ल्ड वाइड ये वैक्सीन बना चुके हैं। तो इसका फ़ायदा शायद कुछ सालों के अंदर ये कंपनी को मिलने वाला है, ये मैनेजमेंट का भी कहना है एंड ICICI सिक्योरिटीज का भी यही कहना है। और रिसेंटली कंपनी एग्रेसिवली कैपेक्स कर रहे हैं, उसका हेल्दी फोकस आपका कैपेक्स के ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो फ्यूचर में इसको एक ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऐड कर सकते हैं, और ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर इसका जो एनुअल रेवेन्यू है वो 400 से 500 करोड़ तक जा सकता है, जो अभी 200 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो इसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए, ICICI सिक्योरिटीज ने जो कहा है वो मैंने आप लोगों को बताया, तो आप खुद का रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए निवेश करना है या नहीं।
तो वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। सी योर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।